पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड के ज्ञानडो पंचायत और रंगरैया पंचायत में गुरुवार दोपहर भीषण अगलगी में करीब 150 घर जलकर राख हो गया है। आग खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से लगी, जिसके बाद देखते ही देखते एक दूसरे घरों को अपने चपेट में ले लिया। वहीं गैस सिलेंडर विस्फोट से आग ने और विकराल रूप ले लिया, जिससे पीड़ितों के घरों के सभी सामान जलकर राख हो गया। वहीं दमकल गाड़ी समय से न पहुंचने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवारों को तत्काल रहने के लिए प्लास्टिक मुहैया कराया गया है और खाने के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। इस अगलगी में करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। आपका मोहम्मद सज्जाद आलम। ये अगली घटना कहाँ हुई है? ये रंगरैया लालपुरी पंचायत का 13 नंबर वार्ड है और ज्ञानडोब का 12 नंबर वार्ड है, दोनों पंचायत का। अच्छा, कितना घर जला होगा? लमसम 100 से 125 घर जला है। कितने बजे घटना घटी थी? ये लगभग 12:15 के आसपास। क्या कारण रहा होगा आग लगने का? अभी इसका तो पता नहीं चला है, अभी तो हम लोग आग नहीं बुझाने का। कोई घर पर नहीं था। अच्छा, दमकल आई? दमकल 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद आया दमकल गाड़ी। ये स्थिति है। कितना दूरी है अमौर से यहाँ? अमौर से यहाँ लगभग 8-9 किलोमीटर। अच्छा, फोन किए उसके 3 घंटा बाद आया। अच्छा, अभी काबू पाया गया आग पर? काबू पा लिए हैं। कितनों का मतलब नुकसान हुआ होगा? लगभग लगभग करोड़ से आगे का होगा। ये स्थिति है जी। 50 लाख का तो नोट। अच्छा, पहले भी ये घटना हुई है क्या? नहीं, कभी नहीं, पहली बार है। पहली बार ये घटना हुई है? पहली बार। किसी का खाने पीने का कोई साधन नहीं, पूरा। यहाँ आपको ज्ञानडोब पंचायत और रंगरैया लालडोली पंचायत, दोनों पंचायत के लोगों का घर था, क्योंकि नदी कटाव की वजह से जो जहाँ जिसको जैसे मौका मिला था वो घर में। जैसे हम लोगों को खबर मिली कि आग की खबर मिली, तो हम लोगों ने सीओ को और थाना के दरोगा को और ने खबर किया, लेकिन अफसोस इस बात से है कि कम्युनिकेशन की वजह से सही टाइम पर ये छोटी गाड़ी जो है आग बुझाने वाली बड़ी गाड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि 100 से ज़्यादा परिवारों का घर जो है जलकर ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अफसोस इस बात से है कि अगर कम्युनिकेशन ठीक होता, ये खाली पुल बन गया होता तो हाँ, तो आज ये नौबत देखने को किसी को नहीं मिली, क्योंकि मात्र अमौर से यहाँ पहुँचने में अगर पुल हो जाता था 2 घंटे लगभग। हाँ, 2 घंटा से कम नहीं लगा। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन की विफलता कहिए या यहाँ के लोगों की सराफत, इसका नतीजा आपके सामने में है कि लगभग 100 परिवार के साथ जलकर राख हो गए। अब हम प्रशासन से ही कहेंगे कि जिन लोगों के घर जले और जायदादें भी, मतलब उसमें खाने पीने का सामान हो या अनाज हो, मक्का का सीजन था, हो सकता है मक्के भी जला होगा, मक्के बहुत सारे लोगों की खबर ये भी आ रही है कि पैसे भी जले हैं जो मक्के बेच करके लाए थे। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हुए सही मुआवजा लोगों को देने की प्रशासन कोशिश करे। और तीसरी बात यह है कि यहाँ इस क्षेत्र में आपको खारी महसबतना से लेकर के आपको अनगर तक कोई दमकल नहीं, एक दमकल हर हाल में होनी चाहिए। प्रशासन से अपील करूंगा कि इस क्षेत्र में कम से कम एक गाड़ी होनी चाहिए, ताकि 10 से 15 मिनट में वो जहां पर भी। शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल दी बिग शॉप के साथ आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, हट्टा बाजार, पूर्णिया।